हरे कृष्णा आप सभी को और राधे राधे। तो आज स्टार्ट करते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। तो ये है अथ सफला पौष कृष्ण एकादशी व्रत कथा। तो चलिए कथा स्टार्ट कर लेते हैं। इतनी कथा सुनकर भगवान अनंत कंद मुरली मनोहर ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं आपके सामने सर्वश्रेष्ठ पौष कृष्ण एकादशी की कथा कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर अक्षय सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, इसका नाम सफला है और इसमें नारियल, अनार, सुपारी, लौंग, बेर आदि उत्तम फलों से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हे राजन, और सब एकादशियों का विधान एक समान है तथा इन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। चंपावती नामक अत्यंत मनोहर नगर में एक महिष्मत नाम का राजा राज्य किया करता था। यद्यपि उसके घर चार लड़के थे, परंतु उनमें सबसे बड़ा लुम्पक नाम वाला लड़का बड़ा पापी और अभिचारी था। हे राजन, उसका काम खेलना, पर स्त्रियों से अभिचार करना, वेश्याओं का साथ रहना, मद्यपान करना, चोरी करना, असत्य बोलकर हिंसा करना, देव ब्राह्मण संत तथा गुरुजनों की निंदा करना था। अपने पुत्र को इस प्रकार दुराचरण देखकर दुखित होते हुए राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तो हे राजन, पिता द्वारा नगर से निकाले जाने के पश्चात वह पापात्मा लुम्पक एक निर्जन वन में चला गया। वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे झोपड़ी बनाकर नाना प्रकार के कुकर्म करता हुआ अपने पेट पालने लगा। हे राजन, जब पौष कृष्ण सफला एकादशी का उत्तम दिन आया तो दशमी की रात्रि को इतनी अधिक ठंड पड़ी कि उस रात्रि को पल भर को भी ना वो सो सका। हे धर्मराज, उसी पापी को उस दिन कोई शिकार ना मिला, अतः वह भूख और प्यास से उस पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा रहा और मुर्दे की तरह अचेत हो गया। हे राजन, इसके बाद सूर्योदय होने पर उसे चैन नहीं आया, किंतु जब सफला एकादशी को दोपहर के समय उसे कुछ होश हुआ तो वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर धीरे धीरे गिरता पड़ता भोजन की खोज में चला, किंतु अत्यंत शक्तिहीन होने के कारण वह किसी जीव की हिंसा भी न कर सका। जब उसे कुछ जमीन पर पड़े फलों को इकट्ठा किया और भोजन के निमित्त सरकता हुआ उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ले आया। हे राजन, उस समय सूर्य भगवान अस्तांचल पर पहुंचे और पहुँच कर लुप्त हो चुके थे। हे राजन, उस दिन उसे इतना कष्ट हो रहा था कि जन्म में इससे पहले उसने कभी ऐसा दुख का अनुभव नहीं किया था। तब हे धर्मज्ञ, अत्यंत विपत्ति के समय परमेश्वर याद आ जाया करता है, अतः अत्यंत कष्ट पाने पर पापात्मा को भी परमेश्वर का स्मरण हो आया और वह अपने पिता के राज्य सुख की याद कर आँखों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना करने लगा कि हे जगदीश, मैं अपने पापों को याद करके बड़ा ही दुखित हो रहा हूँ, अतएव आप अप्रसन्न होकर पापों को सहित मेरे कष्टों को नष्ट करने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपके बिना भक्तों की हितकारी पापों को नष्ट करने वाला और कोई नहीं है इस जगत में। मैं आज सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं न तो किसी प्राणी को कष्ट दूंगा, न चोरी और न हिंसा और न ही मद्यपान, धूर्त कीड़ा, असत्य भाषण, गुरुजनों की निंदा और विषयाएं, गमन आदि का कोई भी पाप कर्म भूल कर भी स्वप्न में भी नहीं करूँगा। मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कीजिए। तभी हे धर्मराज, इस प्रकार वह लुम्पक तमाम रात्रि भर बिन कुछ खाए पिए दिल से ईश्वर की प्रार्थना करता रहा। तब दीनदयाल जगत पालक भक्तों के कष्ट हरने वाले जगदीश्वर ने उसकी प्रार्थना पर प्रसन्न होते हुए उसके पहले किए हुए सारे पापों को नष्ट कर दिया और पाप से रहित भी कर दिया। तत्पश्चात भगवान ने उसके पिता को उसी एकादशी की रात्रि को स्वप्न में दर्शन देकर अपने पुत्र को वापस बुलाने के लिए कहा, तो राजा ने शीघ्रगामी घोड़े को लेकर एक सवार के हाथ अपने ज्येष्ठ पुत्र लम्पाक के पास पहुंचा दिया। हे राजन, जिस समय वह सवार उस श्रेष्ठ घोड़े को लेकर राजपुत्र के पास पहुंचा, उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भगवान के ध्यान में मग्न हो रहा था। इसके बाद वह सवार ने उसे उठाकर जलपान कराया और इसके बाद वह उसे घोड़े पर चढ़ाकर चंपावती की ओर चल दिया। अपने प्रिय पुत्र का नगरी में आया हुआ देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके बाद उसे राज्य देकर भगवान की तपस्या करने और रानी के साथ वन में चला गया।
इसके बाद उस धर्मात्मा लुम्पाक ने अपने राज्य में आकर समस्त प्रकार के पाप कर्म समूल नष्ट कर दिए। इस प्रकार बहुत दिन धर्म पूर्वक सुख से राज्य करके एक दिन वह महात्मा अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाकर परमेश्वर का भजन करने के लिए वन को चला गया और कुछ दिन तपस्या करने के बाद परम पद को प्राप्त हुआ। तो बोलिए सफला एकादशी की जय हो। जिस प्रकार कुकर्मी चंपक को भगवान ने एक बार में ही शमरण मात्र से उसके सारे कष्ट दूर कर दिए, उसी तरह जो हम मृत्यु लोक में बैठे हुए हैं, इतने हम पाप करते हैं, हमारे भी परमेश्वर जग नारायण भगवान हमारे सारे पाप हमारे कष्टों को दूर करें। तो बोलिए सफला एकादशी माता की जय हो।